आज हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा के बारे में, और बहुत सारे लड़के और लड़कियां शादी की तरफ ध्यान नहीं होता, पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी की तरफ, व्यवसाय की तरफ, बिजनेस में लगे रहते हैं, लेकिन शादी विवाह की तरफ उनका कोई मन नहीं होता। ये चीज़ें हाथ में लिखी होती हैं। हस्तरेखा अगर आप देख लें, जान लें, तो आपको पता लग जाएगा, कुछ उपाय भी कर लें। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हर चीज के लिए निवारण उपाय होता है। ये वीडियो लड़कियों को देखने के लिए उल्टा हाथ और लड़कों के लिए सीधा हाथ देखा जाता है। विवाह रेखा पहले बताते हैं कहाँ होती है। ये विवाह रेखा होती है, ये हृदय रेखा के ऊपर, ऐसे भी हृदय रेखा आती है, और ये बुध पर्वत बोलते हैं, ये एरिया बुध उंगली के नीचे। यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं होती हैं और कोई रेखा बड़ी भी होती है। जो बड़ी है, मुख्य रेखा है, उसी को हम विवाह रेखा बोलते हैं। छोटी छोटी रेखाएं हैं तो ये वैसे ही प्रेम संबंध दिखाती हैं। ये रेखा अगर इस तरह से जंजीर नुमा हो जाती है, ये यहाँ पे ये जंजीर बन जाती है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं दे रही। जंजीर नुमा रेखा का मतलब होता है कि बहुत सारी रेखाओं में द्वीप बन गए, और द्वीप जो है उनकी एक श्रृंखला बन गई। ऐसे व्यक्ति को विवाह में, प्रेम में, सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बुध भी अगर उनका इस तरह से दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, ये लाइनें भी नहीं है, तो ये निश्चित मान लीजिए ऐसा व्यक्ति शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। भाग्य रेखा उत्तम है तो पैसा कमाने में लगा रहेगा, बाकी कामों में लगा रहेगा, घूमने फिरने में ही है। चंद्रमा की सपोर्ट भी आ रही है तो घूमने फिरने में जाएगा, चंद्रमा की सपोर्ट से भाग्य रेखा बढ़ रही है तो। लेकिन विवाह नहीं करेगा, उसको शादी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज होती है विवाह रेखा। यदि विवाह रेखा में आपको बताई, ये ऊपर मुड़ जाती है, अगर कनिष्का की उंगली में, यानी इस उंगली में प्रवेश कर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति भी कुंवारा रहेगा, मन नहीं होगा उसका किसी भी तरह से शादी की करने का। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा, मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन शादी नहीं करेगा। बस एक और विवरण दे रहे हैं आपको, ये विवाह रेखा है, ऊपर जाए और उसके इधर 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 कहीं भी, जैसे ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे तिल बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, धब्बा बन गया, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये संकेत दिखा रहा है, और शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है और कोई लाइन नहीं है, भाग्य रेखा भी उत्तम नहीं चल रही है, जीवन रेखा भी ठीक ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कह सकते हैं कि इसको यौन रोग होगा, कोई ऐसी बीमारी होगी सेक्स से रिलेटेड, जिसके कारण ये विवाह की तरफ इसका मन नहीं होगा और किसी भी तरह से आगे बढ़ने की, यानी विवाह की तरफ इसकी जिम्मेवारी लेने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये विवरण आता है। एक विवरण और दे रहे हैं आपको हम, व्यक्ति अपनी शादी में स्वयं भी अड़ंगे लगा रहा है, यानी कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसका चंद्रमा भी उत्तम है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, अच्छा है, उभरा हुआ है, लेकिन ये अगर डाउन है शुक्र पर्वत, तो मान सकते हैं। ये व्यक्ति के बारे में एक हम आपको बता रहे हैं, विवाह रेखा यहां से चली और ये सूर्य की तरफ उड़ गई, शनि की तरफ चली गई या बुध की तरफ चली गई, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं शादी तो इनकी डिले हो गई, देरी से हो गई, लेकिन ये मीन नेक निकालेंगे, बुध के लोग हैं, बुध की तरफ जा रही है तो बहुत ज्यादा देखेंगे लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, सूर्य की तरफ जाएगी तो देखेंगे नौकरी वाली नहीं है, शनि की तरफ जाएगी तो देखेंगे काली है, लंबी है, छोटी है, यानी उसके अंदर बहुत सारे गुण और अवगुण निकालने की चेष्टा करते रहेंगे, और उस चक्कर के अंदर जो एक समय होगा इनका शादी का, वो समय निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये शादी की तरफ इनका ध्यान ही खत्म हो जाएगा, या शादी की जब सोचेंगे तब तक इनका जीवन शादी की तरफ से नीरसपन आ जाता है। ये भी एक बात है। एक और विवरण दे रहे हैं आपको, बड़ा शानदार विवरण है ये। ये बुध पर्वत होता है, ये इसके नीचे जिस भी उंगली के नीचे होता है उसका पर्वत होता है, यहीं पर ये रेखा होती है। अब ये रेखा निकली, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे को नहीं जा रही है, और मंगल से एक रेखा निकली और इसको इसने काट दिया, काट के आगे चली गई या छू लेती है, यहां से निकली इसने छू लिया,
तो ये भी एक अच्छी संकेत नहीं दे रहा शादी विवाह की तरफ। ऐसा व्यक्ति भी शादी मन से उसके दूर रहेगी, शादी विवाह की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मंगल के कारण, ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब एक और विवरण दे रहा हूँ, इस रेखा को हम बोलते हैं हृदय रेखा, यहाँ से निकली ऐसे चली, इसको बोलते हैं बुध पर्वत। हृदय रेखा के जितने करीब ये रेखा होगी आपकी विवाह की, सुंदर हो, सीधी हो, जल्दी विवाह होगा, अति शीघ्र होगा। लड़कों के लिए 27 साल और लड़कियों के लिए 25 साल के अंदर अंदर शादी की संभावना बन जाती है। शुक्र भी उत्तम होना चाहिए, भाग्य रेखा भी ठीक होनी चाहिए। जितनी ये दूर होगी बुध की तरफ जा रही है उतनी शादी देर से होती है, शादी में विघ्न आता है, समय लगता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एक निवेदन, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके अनुरूप इसी तरह के वीडियो बनाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।